प्रेजेंटिंग इनिग्मा R7 91 की और एक नई अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक साइकिल जो अंडर 30 के कैटेगरी में आता है। वैसे तो मार्केट में काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक साइकिल्स मौजूद है, बट हाइब्रिड इलेक्ट्रिक साइकिल की ऑप्शन काफ़ी लिमिटेड और एक्सपेंसिव है। बट थैंक्स टू दी कंपनी कि हमें इस प्राइस रेंज में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक साइकिल देखने को मिल रहा है, वो भी मल्टी स्पीड गियर सिस्टम के साथ। सो हाई, दिस इज अजय एंड वेलकम टू दी ई बाइक शो। So, as I said, Enigma is a hybrid electric cycle. But what is hybrid? तो जिन्हें नहीं पता मैं बता दूँ, hybrid cycle basically एक fusion होता है of a road bike and a mountain bike. और normal cycle की comparison में इसकी speed भी अच्छा होता है. Anyway, Enigma की अगर बात करें तो ये एक 18 inches e-bike है, जिसे craft किया गया है high tensile carbon steel से, which is better than a normal steel or mild steel in terms of strength. और वैसे इस बाइक की टोटल वेट है अराउंड 22 kg, और ये अप टू 100 kg तक लोड उठा सकता है। और ये बाइक दो कलर ऑप्शंस में आता है, ब्लू एंड ग्रे। इसकी वाटरप्रूफ 250 W BLDC मोटर अप टू 40 Nm टॉर्क जनरेट करता है, मतलब आपको अच्छा पुलिंग पावर मिलेगा और आप आसानी से फ्लाईओवर, स्टीप वगैरह क्लाइंब कर पाएंगे। और वैसे इसकी स्पीड की बात करें तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स इसकी टॉप स्पीड है 25 kmph। इस मोटर को जूस मिलता है पैनासोनिक की 6.36Ah कंसील्ड लिथियम आयन बैटरी पैक से, जो करीब 2000 चार्जिंग साइकिल्स के साथ आता है। और इसे चार्ज होने में करीब 3 से 4 घंटा लगता है, और एक बार चार्ज होने के बाद सिर्फ थ्रॉटल मोड में यह करीब 18 से 25 किलोमीटर चल सकता है। वहीं पे सिर्फ पैडल असिस्ट के साथ आप 30 से 35 किलोमीटर का रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे पैडल असिस्ट की बात करें तो इसके साथ आपको 12 मैग्नेट सेंसर के साथ 5 लेवल्स ऑफ असिस्टेंस मिलेगा, और जिसे आप कंट्रोल कर पाएंगे इस एनालॉग LED डिस्प्ले की मदद से। इवन इस डिस्प्ले की मदद से आप इस बाइक को क्रूज मोड में एक्टिवेट कर पाएंगे एट 6 kmph ऑफ स्पीड। व्हील्स की अगर बात करें तो क्योंकि एक हाइब्रिड ई बाइक है, तो इसलिए इसमें हमें रैल्सन की हाई ट्रैक्शन 700C नैरो हाइब्रिड टायर्स देखने को मिलेगा विथ रिजिड फोर्क। सो क्योंकि टायर्स की ट्रैक्शन अच्छा है और साथ में रिजिड फोर्क के साथ आता है, तो खासकर पेव रोड्स पे आपको डिसेंट स्पीड के साथ अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, बट हाँ, रफ रोड्स पे आपको थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। इनिग्मा एक 7-speed हाइब्रिड इलेक्ट्रिक साइकिल है, जो रियर में टॉनी डिरेलर एंड SIS शिफ्टर्स के साथ आता है। और साथ में कंपनी की दूसरे इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरह इसमें भी ड्यूअल मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स दिया गया है, जो ऑटो पावर कट ऑफ सेंसर के साथ आता है। मतलब आप जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेंगे, ये मोटर को तुरंत कट ऑफ कर देगा और फिर एक्सीडेंटली बाइक आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि सेफ्टी के लिहाज से एक जरूरी फीचर है। इसके अलावा सेफ्टी के साथ साथ बेसिक सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा गया है। बेसिक सिक्योरिटी के लिए इसमें इग्निशन स्टार्ट की दिया गया है, तो बिना इग्निशन की के आपकी गैर मौजूदगी में बाइक के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर पाएगा। तो इलेक्ट्रिक ब्रेक्स एंड इग्निशन स्टार्ट, ये दोनों ही मस्ट हैव फीचर है एक ई बाइक की, एंड थैंकफुली ये दोनों ही फीचर इस ई बाइक में मौजूद है, जबकि इस रेंज की सिमिलर बाइक्स में हार्डली ऐसा देखने को मिलता है। खैर, प्राइसिंग की अगर बात करें तो करेंटली इसकी प्राइस है 29,999 rupees, और इसे कंपनी ने एक्सक्लूसिवली Amazon पे लॉन्च किया है, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ Amazon पे ही मिलेगा, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसे खरीदने पे इसके साथ आपको 2 साल की वारंटी मिलेगा ऑन बैटरी एंड मोटर, जबकि दूसरे मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स पे आपको 1 साल की वारंटी दिया जाएगा। इसके अलावा फ्रेम पे आपको लाइफ टाइम की वारंटी मिलेगा, बट इसके लिए पहले बाइक को रजिस्टर करना होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, अदरवाइज आपको सिर्फ 5 साल की वारंटी मिलेगा फ्रेम पे। और इसके अलावा अगर बाइक में कोई खराबी आ जाती है खरीदने के बाद, या फिर आपको कोई सपोर्ट चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे डायरेक्ट कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स वाइज ये काफ़ी अच्छा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक साइकिल है। इसमें 7-speed गियर सिस्टम है, सेफ्टी के लिए ड्यूअल इलेक्ट्रिक डिस्क ब्रेक्स है, सिक्योरिटी के लिए इग्निशन स्टार्ट की दिया गया है, पैनासोनिक की एफिशिएंट बैटरी है, और कंपनी मोटर एंड बैटरी पे 2 साल की वारंटी भी दे रही है। बट फिर भी इन माय ओपिनियन प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, बट अच्छी बात है कि ये अमेजोन पे अवेलेबल है
और अमेजन प्राइस ड्रॉप डाउन करता रहता है, तो हो सकता है आपको भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाए। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इन अ कंक्लूजन, अगर आप हाइब्रिड बाइक के शौकीन हैं और अगर आपकी डेली कमिट लिमिट 30 से 35 किलोमीटर के आसपास है और अगर आप बेसिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ कंप्रोमाइज करना नहीं चाहते हैं, तो फिर डेफिनेटली आप इसी बाइक को कंसिडर कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस बाइक के बारे में नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं अजय साइनिंग आउट।